नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज हम एक महान योद्धा और राजनीतिज्ञ के बारे में जानेंगे जिन्हें आप सब पहले ही जानते होंगे, लेकिन आज हम इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था जूलियस सीजर की, जो एक प्रसिद्ध रोमन सेनापति, राजनेता और लेखक थे। वह रोमन इतिहास के महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। जूलियस सीजर का जन्म 12 जुलाई 100 ईसा पूर्व में हुआ था। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सीजर को नहीं जानता हो। वह एक कुशल सैनिक, शानदार वक्ता और योजना निर्माता थे और उनके नेतृत्व में रोमन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। सीजर का उदय उनके युवावस्था में हुआ जब वह महत्वपूर्ण सेना पदाधिकारी बने। उन्होंने रोमन सेना के प्रमुख सेनापति के रूप में कई विजय प्राप्त की, जिनमें गैलिक युद्धों की जीत, जिसमें उन्होंने गोल क्षेत्र पर कब्जा किया था। जब सीजर रोम की राजनीति में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद धारण किए। जूलियस सीजर ने रोम की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई और उन्होंने विभिन्न पदों को संभाला। उन्होंने कुरियाक की पुलिस का पद संभाला, जो सीनेट के सदस्यों की प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के लिए जिम्मेदार था। सीजर ने यह पद 69 ईसा पूर्व में संभाला और उसके बाद से वे सीनेट के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने लगे। सीजर का सबसे महत्वपूर्ण पद रोम के द्वितीय त्रिमूर्ति के रूप में कार्य करना था, जिसमें उन्होंने सीनेट के आदेश के साथ शासन किया। इस पद की प्राप्ति सीजर को 59 ईसा पूर्व में मिली थी और वह इस पद पर 5 साल तक कार्य करते रहे। कुछ वर्षों बाद सीजर को गल्बी सेनापति के रूप में गैलिया का प्रशासन करने का मौका मिला। सीजर ने गैलिया में 4 विजयों की प्राप्ति की और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें विशाल साम्राज्य का विस्तार करने में सफलता मिली। उन्होंने गैलिक जनता को जीतकर रोम साम्राज्य के अधीन कर दिया और गैलिया को रोम संघ का हिस्सा बना दिया। कुछ समय बाद सीजर ने रोम की राजनीतिक परिदृश्य में अपनी शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने रोम में एक नया राजनीतिक समूह गठित किया, जिसे प्रीवेटोरियन गार्ड कहा जाता है। यह सेना सीजर की विशेष रक्षा और सुरक्षा का प्रभार संभालने के लिए निर्मित की गई थी और यह बाद में रोम के साम्राज्यिक सुरक्षा बल का मुख्य आधार बन गई। उनकी राजनीतिक उच्चतम प्राप्ति 49 ईसा पूर्व में हुई, जब उन्होंने सेना के साथ सेनापति पोम्पे से मुकाबला किया और उन्हें हराकर रोम में सचिवालय और प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त किया। सीजर ने अपनी सत्ता को मजबूत किया और 45 ईसा पूर्व में उन्हें प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली। प्राधिकारी की पदाधिकारिता उस समय आर्क्टोरियस विधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाई गई थी और सीजर को 10 वर्षों के लिए प्राधिकारी नियुक्त किया गया। इससे पहले यह पद सामान्य रूप से अस्थायी था और किसी विशेष संकट या आपातकाल के दौरान ही स्थापित होता था। सीजर की प्राधिकारिता के दौरान उन्होंने कई सुधारों और नवीनीकरणों का कार्य किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार किए, साम्राज्य की व्यापक विकास योजनाएं शुरू की और सामाजिक और न्यायिक सुधारों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों को न्यायपूर्वक रहने और अनुकरणीय कार्यक्षमता में भागीदारी दी। हालांकि 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या कर दी गई। इनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।